एक बड़ा खुलासा जो कि दोस्तों बिग बॉस की सबसे पहली कंफर्म कंटेंडर का है, वो है नेहा भसीन। नेहा भसीन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब मुझे डिप्रेशन हो गया था उस वक्त मुझे ये आस हो गई थी कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेहा भसीन क्या कहती हैं, सुनिए बात ध्यान से। नेहा भसीन ने कहा जब उन्होंने टाइम्स नाउ के साथ बातचीत करी है, उन्होंने कहा कि एक ऐसा दौर भी आ गया था जब मुझे लगने लग गया था कि शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी और मैं जो है डिप्रेशन से जूझ रही थी। बुलिमिया हुआ मुझे, बुली करते थे लोग, बुलिमिया, बॉडी इमेज इशू आ गए थे मुझे। और वो कहती हैं कि ये सारी चीज़ें जो मेरे करियर के शुरुआती 10 साल थे उसमें देखी गई थी और मुझे जो है लॉन्ग टाइम लग गया कि मैं इसके बारे में बात करूं। नेहा कहती हैं कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरी हूं और मैं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी, और न सिर्फ करियर में ही सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, बाकायदा मेरी लाइफ भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में भी जो है नहीं कर पाऊंगी, सक्सेस नहीं हो पाऊंगी। बट कहीं ना कहीं मैं उससे लड़ी और ये एक लंबा प्रोसेस था, मैं उससे लड़ी, उससे मैंने जो है आज़ादी पाई और आज जो है मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं अपनी लड़ाई लड़कर आई हूँ। नेहा भसीन ने कह दी है बड़ी बात। ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या रिएक्शन है मुझे ज़रूर बताएं और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज़ और मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, चलता हूँ।